वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड्स होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकली हुई भर्ती के बारे में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ही प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट बायोलॉजिस्ट, प्रोजेक्ट इंटर्न के पोस्ट के लिए अधिसूचना प्रकाशित की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इज अ प्रीमियम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ही आती है इंस्टीट्यूट, और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है यानी जो प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट बायोलॉजिस्ट और प्रोजेक्ट इंटर्न की जो वैकेंसी है उसको यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा भर्ती हो रही है और प्रोजेक्ट ऑफ पीरियड 1 ईयर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये अभी ले रहे हैं वैकेंसीज या उम्मीदवार को सिलेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग फॉलोइंग बाय रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑन 28 मार्च 2018 को रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगी एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट पर आपको जाना होगा उस इंस्टीट्यूट पे। आर्गुमेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर इन बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, ये आपका काम होगा। प्रतिमा आपको वेतन मिल सकता है 25,000 प्लस एडमिसेबल अलाउंस, यानी आपको अलग से अलाउंस भी मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंस, बोटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, वेटरनरी साइंस, ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सोशल साइंस, स्टेटिस्टिक्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ऑगुमेंटेशन एंड रिकवरी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन सैटकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, यानी उड़ीसा में भी सिलेक्ट किया जाएगा उम्मीदवारों को फेलो, वो भी पोस्ट वही है प्रोजेक्ट फेलो के पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी आपको पेमेंट सेम मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे हमने पहले कहा वही है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, एक्सपीरियंस इंटरेस्ट इन एंड ऑक्यूपेंसी सैम्पलिंग एंड कैमरा ट्रैपिंग, स्पेशल एनालिसिस यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड GIS टूल्स, और वेजिटेबल क्वालिफिकेशन, वेजिटेशन क्वालिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट एनालिसिस, रेडियो टेलीमेट्री, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे फॉर पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, इकोसिस्टम डेटा मैनेजमेंट एंड स्टेटिस्टिकल इत्यादि। तो ये आपका काम होगा प्रोजेक्ट फेलो, वेरियस पोस्ट के प्रोजेक्ट फेलो की ये पोस्ट हो रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हो टाइगर इंट्रोडक्शन एंड रिकवरी प्रोग्राम इन पन्ना टाइगर रिजर्व एंड लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश, यानी आप देख सकते हो तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत से स्टेट्स में भर्ती हो रही है, बहुत से वैकेंसीज है। और यहाँ पर आपको क्या करना काम है तो रिकवरी का काम है या देखभाल जो होती है या ट्रैक रखना है एनिमल्स पे और जो पॉपुलेशन है उनकी, उन पर प्रोग्राम्स होते हैं, रिकवरी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ई बर्ड टेक्नोलॉजी फॉर टाइगर कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ अनमैंड एरियल व्हीकल्स एंड सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग टूल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ, यानी टाइगर्स जो है उनको बचाने का काम आपको करना है और उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़े और उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है या हो रही है तो उन्हें उसे कैसे हम उन्हें संभाल सकते हैं, उनकी सब देखभाल और जानकारी आपको प्राप्त करनी है और रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से काम होगा आपका। और जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं और जानकारी हम आपको अब वापस एक बार बता देते हैं। एज लिमिट फॉर ऑल पोजिशन इज 28 ईयर्स, यानी 28 साल एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। एज रिलैक्सेशन 5 साल का है एज पर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स। और एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शुड बी सेंड बाय ईमेल विदाउट एडिशनल अटैचमेंट, यानी जो आपका एप्लीकेशन है आपको इस ईमेल एड्रेस पे भेजना है और विद अ कॉपी ऑफ MUGI.gov.in बिफोर 27th मार्च 2018, यानी 27 मार्च के पहले आपको ये जो आपका एप्लीकेशन है वो इस ईमेल एड्रेस पे भेजना है। क्लियरली मेंशनिंग द प्रोजेक्ट एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए और किस पोस्ट के लिए काम करना चाहते हो। इट इज एडवाइज टू सेंड एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल, यानी यहाँ पर कहा गया है जितने जल्दी आपसे हो सके आपको इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भेजने हैं।
रिटर्न टेस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। 28 मार्च को सिलेक्शन हो सकता, एग्जामिनेशन होने वाली है और उसके बाद आपकी इंटरव्यू भी होगी। एप्लीकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एंड जो फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन होनी जरूरी है। एप्लीकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली साइन एंड शुड बी अकम्पनीड बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरिमेंट्स यूजीसी सीएट गेट सर्टिफिकेट इफ एनी। यानी एप्लीकेशन के साथ आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, रिजल्ट्स है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, यूजीसी सीएसआईआर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आपको जेरोक्स के साथ अटैच करने हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जाम्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अटैच करके भेजना होगा ईमेल पे। और इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। यानी अकोमोडेशन की जो व्यवस्था है यहाँ पर नहीं की गई है, आपको खुद को वो देखना होगा कहाँ पर आपकी रहने की और बैठने की व्यवस्था की गई है, वो आपको सबको देखना है। एट अ टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इवन आफ्टर सिलेक्शन इट इज फाउंड दैट अटेम्प्ट हैव बीन मेड बाय द एप्लीकेंट हू विलफुली कंसील मिस रिप्रेजेंट द कैनवस द फैक्ट सच एप्लीकेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी जो नकली वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार जो उम्मीदवार होते हैं किसी और के डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं या कुछ ना कुछ फेरफार कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वैसे काम नहीं चलेंगे। यदि कोई डिस्परेंसी या कोई गलत चीज़ दिखती है रिजल्ट में तो वो जो कैंडिडेट्स होगा उसे डिबाग किया जाएगा या उसे निकाल दिया जाएगा काम से। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके वेरीफाई किए जाएंगे, ये आप जान लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपको लोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये लिंक पा सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ईमेल से आपको आपका एप्लीकेशन भेजना है और 27 मार्च 2018 के पहले भेजना है। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तुरंत अप्लाई करिएगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे हमने कहा मास्टर डिग्री वाइल्ड लाइफ साइंस, बोटनी, जूलॉजी, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जो भी आप उत्तीर्ण हो या जो भी डिग्री आपने कंप्लीट की है इन किसी में से एक पोस्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।